पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के फोन हैक मामले में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने भाजपा पर फोन हैक करने का आरोप लगाया है। इन आरोपों पर भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कांग्रेस द्वारा पार्टी पर लगाए जा रहे फोन हैक करने के आरोप पर पलटवार किया। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि भला जीतू पटवारी का फोन कोई क्यों हैक करवाएगा, मूर्ख व्यक्ति ही ऐसा सोच सकता है। सलूजा ने कहा कि जिनको कांग्रेस के लोग ही रोज असफल नकारा अध्यक्ष कहते हैं, जिसके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 5 लाख से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं, 3 विधायकों, 22,000 से अधिक पदाधिकारियों ने कांग्रेस छोड़ दी है, ऐसे व्यक्ति का कोई फोन क्यों हैक कराएगा। भाजपा का हाथ हो सकता है। अब जीतू पटवारी जो फेल्यूर अध्यक्ष कहे जाते हैं, जिनके बनने के बाद 4 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ दी, 3 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ दी, 22,000 से अधिक पदाधिकारियों ने कांग्रेस छोड़ दी, और जिनके बयान है पार्टी का तेल लेने, पार्टी का प्लाट समतल करने में लगा, ऐसा व्यक्ति के फोन कौन टेप करेगा? जो खुद फेल अध्यक्ष है उसके फोन के अंदर कौन जासूसी करने का काम करेगा? अब ये तो ऐसा लग रहा है कि जीतू पटवारी का जो कद गिर रहा है, रोज उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि हरल्ले अध्यक्ष हैं, हटाओ, पद से हटाओ, कभी पूर्व प्रदेश प्रवक्ता सवाल उठाते हैं, कभी व्यापारी और उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सवाल उठाते हैं, तो ध्यान भटकाने के लिए लगता है जो ग्राफ गिर रहा है, जो कद गिर रहा है, उससे शायद ध्यान भटकाने के लिए, खुद को बड़ा नेता साबित करने के लिए जीतू पटवारी के इशारे पर कांग्रेस के लोग इस तरह की शिकायत दर्ज करा रहे हैं साइबर सेल। लेकिन समझना चाहिए जीतू पटवारी का फोन कौन टेप कराएगा, और टेप कराएंगे तो उसमें मिलेगा क्या? पार्टी का ही तेल लेने। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।